हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ओल्ड पेपर रहेगा जूलॉजी का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस का भी वीडियो बना दिया है जूलॉजी का, और एमपीसेट का भी लाइफ साइंस का ओल्ड पेपर और सिलेबस दोनों बना हुआ है। तो आप चाहो तो देख लेना और अदरवाइज आप इग्नोर कर देना, या कि फिर एमपीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कराती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो और हाँ, उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, इस बार मोस्ट प्रोबेबली यही है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। प्राणी शास्त्र मतलब जूलॉजी, ठीक है? चलो, पहला क्वेश्चन है जिसमें चार ऑप्शन हैं। हाँ, जो राइट आंसर है वो ब्लैक से हाईलाइटेड है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो हम धीरे धीरे करके स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको राइट आंसर देखते ही जाना, कि जैसे जो भी ब्लैक से इंडिकेट करेगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है ना? जैसे दो का आंसर क्या है, ए। मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप लोग देखते जाना, ठीक है? ना, जैसे 18 का ए इज राइट आंसर है, 19 का सी, 20 का डी, 21 का डी, 22 का ए, 26 का सी, 27 का सी, 28 का बी, 29 का बी, 30 का सी, 31 का बी, 32 का ए, 33 का ए, 34 का बी, 35 का बी, 36 का बी, 37 का ए, 38 का सी, 39 का डी, 40 का सी, 41 का डी, 42 का बी। दीदी करके मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। क्वेश्चंस देखते जाओ और वो करते जाओ, ठीक है? चलो देख लो आप अच्छे से क्वेश्चंस, ठीक है? और 66 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या है, बी। जो हाईलाइटेड है वो आंसर है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है, मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो इजी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़े टफ हैं, जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि एवरेज है। ठीक है, 76 का ए, 77 का सी, 78 का डी, 79 का डी, 80 का ए, 81 का सी, 82 का ए, 83 का ए, 84 का सी, 85 का ए, 86, 87, 88, 88 का ए हो गया, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, 101, 102। स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। ये आप देख सकते हैं,
129 का बी है, 30 का सी, 131 का ए, 132 का सी, 133 का बी, 134 का सी, 135 का ए, डी, 137 का ए, 138 का बी, 139 का ए, 140 का ए, 141 का बी, 142 का डी, 143 का सी, 144 का बी, 145 का बी है ना, 146 का ए। देखो इसके सामने लिखा गया विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जातियां कहलाती हैं एलोपेट्रिक, ठीक है ना। चलो स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग क्वेश्चंस देखते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। बहुत कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ही इजी, जैसे मनुष्य में रक्त समूहों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, लेनस्टीनर ने। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी थे, जैसे विश्व जैव विविधता दिवस का मनाया जाता 22 मई को। ये 162 जो क्वेश्चन है वो आंसर उसका गलत है, मतलब डिलीटेड किया गया है, ठीक है। 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 90 और 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197 जो कि डिलीटेड है ना, डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन। 198 का सी, 199 का ए, 200 का बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 200 क्वेश्चन ही थे। चलो ऑल द बेस्ट सभी को।